तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा रहा आप सभी का कल नीट का पेपर? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का पेपर बहुत अच्छा रहा होगा। पेपर उतना इजी नहीं आया, मैं जैसा कि मैंने आज पिछली वीडियो में आप सभी को कहा था कि पेपर का लेवल इस बार हर साल से थोड़ा अलग रहने वाला है। एनटी ने पहले एक सर्कुलर बताया था जिसमें उम्मीद के अनुसार पेपर लगभग हर साल 90 में से 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, ऑलमोस्ट एक आध भाग से होता है। लेकिन इस बार जो टोटल 100 क्वेश्चन आए हैं बायो के, उसमें से मेरे हिसाब से लगभग 15 या 20 क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी से बाहर है, सरास एकदम बाहर है। तो आज इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि डिस्कस करने लायक हैं, जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन हैं जिसको आप एक ही चीज़ पढ़ के आप सॉल्व कर सकते थे, उन सभी क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको और किसी क्वेश्चंस में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो आप मुझे उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो मेरे पास जो सेट है वो P3 है, आप अपने सेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चंस ऊपर नीचे ही होते हैं, लगभग आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मैं अपने P3 सेट के अकॉर्डिंग 107 क्वेश्चन है। तो इसमें आपको देखिए, मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा उसमें लगभग काफ़ी सारे मैचिंग वाले होंगे। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन के ना एक शॉर्ट ट्रिक होती है, आप ऐसे ध्यान रखें कि अगर चार ऑप्शन है तो उसमें से कोई एक ऑप्शन तो ऐसा होगा जो एकदम बहुत इजीली निकल जाता है। जैसे ये क्वेश्चन जो है, इसमें चार प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, प्लांट टिश्यू कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर और माइक्रोप्रोपेगेशन। सामने आपको एक ऑप्शन दिख रहा है वायरस फ्री प्लांट्स का, आप देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है वायरस फ्री प्लांट्स का। अब आपको याद होगा कि जो वायरस फ्री प्लांट है, मेरिस्टेम जो टिप होता है प्लांट का, उस पर मेरिस्टेम पाया जाता है और वो वायरस फ्री होता है। एक ही ऑप्शन है जिसमें मेरिस्टेम जो है वायरस फ्री, C4। आंसर खत्म। ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन है वो मैंने लिया 110, इसमें भी चार ऑप्शन है और आपसे बोला गया इनकरेक्ट। तो एक तो करेक्ट इनकरेक्ट में लोगों का दिमाग बहुत घूमता है, तो आपको सीधा रखना है इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट क्वेश्चंस में आप कोई भी एक स्टेटमेंट देखो, इसमें सबसे ईजी स्टेटमेंट है वो है मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स। अब आपको पता है कि जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स या जब मैच्योर होते हैं तो अपना न्यूक्लियस लॉस कर देते हैं, और इन्होंने कहा है कि पजेस अ कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस एंड अ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनली। मतलब ही नहीं है कि सीव ट्यूब एलिमेंट्स जब भी मैच्योर होते हैं तो वो अपना न्यूक्लियस क्या कर देते हैं, लॉस, तो उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। तो यही आंसर बताया जाएगा इसका, आंसर सीव ट्यूब वाला। वो है क्वेश्चन नंबर 111, ये भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है। मैंने फिर से कहा किसी भी एक ऑप्शन, आप लेंटिसल्स हम बचपन से जानते हैं कि लेंटिसल्स का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, तो यानी जो ए है उसका क्या होना चाहिए, थर्ड। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें ए का थर्ड है। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको बाकी भी ऑप्शन समझने हैं, बेसिकली मैं जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा वीडियो उतनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर पाऊँ, लेकिन अगर आपको तो भी लगता है कि नहीं मेरे को इस क्वेश्चन का इस वाले ऑप्शन को भी समझना है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको वहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दूँगा। चलिए, तो जो अगला क्वेश्चन लिया है वो मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 112। देखिए, तो इसमें बोला गया है कि अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें नाइट्रोजन जो फॉस्फोरस कैल्शियम, देखिए इसमें दो ऑप्शन से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, एक है स्टैंडिंग क्रॉप और एक है स्टैंडिंग स्टेट। बेसिकली जो स्टैंडिंग क्रॉप है वो तो एनसीईआरटी में दिया गया है, पर जो स्टैंडिंग स्टेट है वो एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है। बट आप समझ सकते हैं जो स्टैंडिंग स्टेट होता है इट इज़ इनऑर्गेनिक मटीरियल, जबकि जो स्टैंडिंग क्रॉप होता है इट इज़ ऑर्गेनिक मटीरियल। तो जो हम यहाँ पे लेंगे स्टैंडिंग स्टेट, क्योंकि यहाँ पे इनऑर्गेनिक मटीरियल्स की बात की गई है, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। तो अगला क्वेश्चन लिया है 113, इसमें बोला गया टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ द वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट विच ड्यूरिंग द पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, वैसे आपको याद होगा ऑटोगैमी, जिटनोगैमी और जीनोगैमी, ये सीक्वेंस में होता है। अगर सेम फ्लावर हो तो वो होता है ऑटोगैमी, अगर सेम फ्लावर तो डिफरेंट हो लेकिन प्लांट सेम हो तब वो होता है जिटनोगैमी, और अगर फ्लावर भी डिफरेंट है साथ में प्लांट भी डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, जीनोगैमी। और उसने बोला जेनेटिकल चेंज आना चाहिए, यानी आपको प्लांट क्या लेना पड़ेगा, अलग, तो वो किसका हो जाएगा, जीनोगैमी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, जीनोगैमी, ऑप्शन 2। 117, ये भी एक मैचिंग टाइप है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। याद करने का तरीका देखिए, आपको ऑर्गेनेलीज अगर याद है तो आप बहुत सिंपली तरीके से इसको कर सकते हैं। देखो, अगर मैं अपना ट्रिक बताऊँ तो मैं याद करता था कि जो क्रिस्टी है वो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं क्रिस्टी। थाइलेकोइड्स क्या होते हैं, दे आर फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर। और हमने अगर क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देखा हो तो उसमें फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर पाए जाते हैं बहुत सारे, एक के ऊपर एक पाइलअप रखे होते हैं, तो वो क्या जाते हैं, थाइलेकोइड। अब जो गोल्जी बॉडी होती है, मैंने ऐसे याद किया कि यूनिसिस्टर्नल होती है और मल्टीसिस्टर्नल भी होती है। तो जो यूनिसिस्टर्नल गोल्जी बॉडी, यानी गोल्जी बॉडी हमेशा क्या पाया जाएगा, सिस्टर्नी। इसके बाद बोला इन्होंने सेंटोमियर, तो ये तो वेरी कॉमन है कि जो सेंटोमियर हमेशा किसमें पाया जाएगा, न्यूक्लियस में। तो ये ऑप्शन आप कैसे हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। अगला क्वेश्चन मैंने चूज किया 122, ये भी मैचिंग क्वेश्चन है, इसमें भी चार ऑप्शन है अच्छे अच्छे हैं, कोहेशन, अधेशन, सरफेस टेंशन और गटेशन। तो अगर गटेशन की मैं बात करूँ तो आपको पता है कि जो रात के टाइम पे वाटर लॉस होता है उसको हम कहते हैं गटेशन।
दिन के टाइम पे जो वाटर लॉस होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो जो गटेशन होता है रात के टाइम पे, जो उसकी बूंदें आपको सुबह सुबह मिलती हैं, वो गटेशन होता है और वो लिक्विड फेस में होता है। तो जो आपको डी है वो सीधा दिख जाएगा, डी का आपको जाएगा वाटर लॉस इन लिक्विड फेस, यानी डी का 3। तो डी के 3 के दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। अब आप आगे बढ़े तो हमें पता है कि जो कोहेशन होता है इट इज बेसिकली अट्रैक्शन बिटवीन सेम, यानी कि अगर एक कंटेनर है उसमें वाटर है तो वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसे कहते हैं कोहेशन, और वाटर का जो दूसरे सरफेस यानी वॉल से जो अट्रैक्शन होगा उसे कहते हैं अडहेशन। तो इसी का इसका आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन। चलिए दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 128, इसमें कहता है इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इन नेचर विच मैकेनिज्म द कॉम्पिटिंग स्पीशीज माइट हैव इवॉल्व फॉर देयर सर्वाइवल। तो क्या देखिए, अगर एक एक जगह दो स्पीशीज रह भी है तो वो अब साथ में रहने के लिए क्या क्या चूज कर सकती है। तो इसमें जो ऑप्शन है, सबसे पहले प्रीडेशन। प्रीडेशन का मतलब होता है एक स्पीशीज किसी दूसरी स्पीशीज को खा जाए, जैसे जो शेर है वो हिरण को खा जाता है, तो दोनों, तो हिरण तो मर गया तो दोनों साथ में नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट वो वैसे इसका आंसर क्या है, रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग का मतलब है कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको दोनों बांट ले कि भाई आधा तुम खाओ आधा हम खाएं, तो ये बेस्ट है कि दोनों स्पीशीज उस जगह पे एग्जिस्ट कर पाएंगी। वैसे बाकी और भी है कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब क्या है कि कोई एक स्पीशीज बहुत अच्छा खाती है जबकि दूसरी स्पीशीज कंपेरेटिवली कम खाती है। अब जो कम खा रहा है वो कम खाएगा और जो ज़्यादा खा रहा है वो लगभग धीरे धीरे सारा ही खा जाएगा, तो जो कम खाया वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो कोई ना कोई एक्सटिंक्ट हो गया। और जो म्यूचुअलिज्म है ये किसी प्रकार का, इसमें बेसिकली एक स्पीशीज किसी दूसरी स्पीशीज पर डिपेंड करती है और ये वाली इस पर डिपेंड करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिसोर्स पार्टीशनिंग। चलिए जी, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ PCR। तो PCR आपको याद रखना होता है कि जो PCR है हम DNA का करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब PCR में अगर आपको बेसिकली बहुत एम्पलीफिकेशन करते हैं, PCR में क्या करते हैं, एम्पलीफाई, मतलब कि कोई जीन या कोई DNA आपके पास बहुत छोटा है तो उसको हम हाई लेवल पे ले जा सकते हैं। तो बेसिकली ये पहला क्या है, डिटेक्ट इन जीन म्यूटेशन। ऑब्वियसली जीन क्या है हमारा, DNA, तो DNA डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका बोला मॉलिकुलर डायग्नोसिस, बिल्कुल सही। बहुत छोटे लेवल पर अगर हमें जीन को डिटेक्ट करना है कहीं पर भी, क्योंकि अगर बहुत कम है तो हम उसको ज़्यादा कर सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे, PCR। नेक्स्ट कहता है जीन एम्पलीफिकेशन, बिल्कुल सही इसका। लेकिन क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन्स, नहीं, प्रोटीन्स के लिए हम PCR नहीं कर सकते। PCR किसके लिए होता है, DNA के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। दोस्तों, तो जो अगला क्वेश्चन है ये है, मैंने 130 लिया है P53 सेट में, आप अपने हिसाब से देखिए। अब देखिए जो क्वेश्चन है 130 लिया है, इसमें आपके पास जो सामने ऑप्शन है वेस्कुलर टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, स्क्लेरॉइड्स, स्क्लेरॉइड्स एंड सिंपल टिश्यू। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना करना चाहें इस क्वेश्चन को, तो आप सिंपली कर सकते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो मेरिस्टेम का, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो मेरिस्टेम का मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा डिवाइडिंग टिश्यू। टिश्यू अगर बहुत ज़्यादा तेजी से डिवाइड कर रहा था तो हम उसको नाम देते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यानी कि इसमें पहले ऑप्शन है सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, यानी ए का क्या हो जाएगा, 2। अब आप ए का 2 देखिए एक ही ऑप्शन में क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है 138, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बेसिकली, इसमें दिमाग लगाने की कोई बात थी। ये कह रहा है कि एक प्लाज्मिड है PBR-322, हम जानते हैं प्लाज्मिड PBR-322 होता है, उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। तो उन्होंने कहा कि PST1 की एक रिस्ट्रिक्शन साइट है वहाँ पे, और उसी जगह पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है। अगर आपको डायग्राम याद हो तो ऐसा एक सर्कुलर सा होता है PBR-322, इसमें कहीं पे इस साइड एम्पिसिलिन और उस साइड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होती है। अब मैं कहता हूँ इस जगह पे जहाँ पे एम्पिसिलिन है यहीं पे एक दूसरा एंजाइम बाइंड कर सकता है। अब इन्होंने जैसे तैसे इस जीन को हटा दिया, अगर इन्होंने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को हटा दिया तो मुझे बताइए क्या अब यहाँ पे एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस रहेगी, नहीं, क्योंकि वो जीन हट चुका है। तो जैसे ही अब आप नए वाले DNA में एम्पिसिलिन डालेंगे तो मर जाएगा, और नए वाले DNA को हम क्या कह देते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA। तो इन्होंने कहा कि जो अब नया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनेगा वो क्या है, इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर्म एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल। सही है स्टेटमेंट, क्योंकि जो नया है आपने एम्पिसिलिन हटा दिया। अगर आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या होता है, उस चीज़ को हटा देना, और तो आपने PST1 से हटा दिया यानी वहाँ पे एम्पिसिलिन के रेजिस्टेंस अब नहीं रहेगी, तो इसका ऑप्शन में जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला बोलता है कि सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड शीथ सेल। बिल्कुल नहीं, जो स्पेशलाइज्ड सेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, हेटरोसिस्ट, आपको याद होगा। इसके बाद में बोला फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगेमी, बिल्कुल नहीं, कैरियो का मतलब ही होता है न्यूक्लियस, है ना, तो कैरियोगेमी तो कहेंगे नहीं। इसका होता है द फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी, ठीक है। ऑर्गेनिज्म डेट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर सेप्टोफाइट, जी नहीं, सेप्टोफाइट्स वो कौन से में होते हैं, जो डेड या डीकेइंग, सड़े हुए या मरे हुए ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेप्टोफाइट। तो चौथा भी गलत, तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। चलिए दोस्तों, तो जो अगला सवाल मैंने लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 143। अगर इसको देखे तो ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि थोड़ा बाहर से आया,
क्योंकि इसमें जो ये नाइट्रोकोकस नाइवाइजोबियम थायोबैसिलस नाइट्रोवेक्टर है, ये बेसिकली प्रोसेस तो एनसीईआरटी में दिए गए हैं बट शायद एग्जांपल अच्छे से नहीं मेंशन किए गए। बट अगर आप दिमाग लगाना है तो क्वेश्चन बहुत इजीली यू सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा? आपको याद होगा मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में आपने एक प्रोसेस पढ़ा है, इसमें ऐसे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है सोयाबीन प्लांट का और उसके चारों तरफ नोड्यूल्स फॉर्मेशन में ऐसे डॉट 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 स्ट्रक्चर होते हैं जिसे कहते हैं राइजोबियम। अब राइजोबियम इस रूट नोड्यूल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसके बाहर और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है हमें पता है। तो सोचिए जरा अगर बाहर है तो ये कौन सी नाइट्रोजन को उठाएगा? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2O। और इसमें देखिए राइजोबियम है, ए के ऑप्शन है B2O4 कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू द अमोनिया, तो ये सीधा हो जाएगा B4। पहला क्वेश्चन तो मैं जनरली ऐसा थॉट रखता हूँ कि जो फैमिलीज हैं इनको याद करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो मेरा ये मानना था कि अब फैमिली याद करने से बेटर किसी दूसरे टॉपिक में मेहनत कर ले, वो ज्यादा इजी होता है। बट इस क्वेश्चन को आप तो भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपको बस इतना, आपने पहले पढ़ा होगा कि जो पेरियन था यानी सेपल और पेटल का फ्यूजन जो होता है उसे वैसे कहां मिलता है? लिली फैमिली में। और एक ही ऑप्शन है जिसमें जो पेरियन P2A बनाया गया है ये लिलिएसी है, तो सी का क्या हो जाएगा? 2। सॉरी हाँ, सी का क्या हो जाएगा? 2। और सी का 2 एक ही ऑप्शन में आंसर 2, वही आंसर भी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन लिया गया 157। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग PCR, इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन्ड इन द बिगिनिंग, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द PCR विल बी अफेक्टेड फर्स्ट। तो आपको कहा गया कि PCR, आपको याद होगा हम DNA के लिए यूज करते हैं, तो जो PCR में पहला स्टेप होता है हम DNA को अलग करते हैं हाई टेम्परेचर देके, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचुरेशन। और अगर आप हाई टेम्परेचर दोगे ही नहीं तो अलग नहीं होगा, और अलग नहीं होगा तो सबसे पहले क्या नहीं हो पाएगा? डीनेचुरेशन। क्या? और वही ऑप्शन है ऑप्शन 4। To any each cell during the interphase of mitosis, if the number of chromosome at G1 phase is S8, what will be the number of chromosome after S phase? तो देखिए अगर आपने इसका सवाल का आंसर लगाया 16, तो अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ उसके बाद या तो बहुत गुस्सा आने वाला है या आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा कि मज़ा आया। तो देखिए होता क्या है, नॉर्मली एक बच्चे को लगता है कि जो S phase है वहाँ पर DNA डबल हुआ, बिल्कुल सही, लेकिन बच्चा ये भी सोच जाता कि अगर DNA डबल हो गया तो पहले 8 थे तो अब क्या हो जाएंगे? 16। तो आप जब 8 से 16 कर रहे हैं तो आप उसका नंबर डबल कर दे रहे हैं। हम दो, एक होता है DNA का अमाउंट और एक क्रोमोसोम का नंबर। क्रोमोसोम का नंबर डबल तब होता है जब सेंट्रोमियर स्प्लिट करते हैं, और सेंट्रोमियर स्प्लिट करते हैं एनाफेज में, और एनाफेज पार्ट है एम फेज का। तो आपने G1, S, G2 और M, तो अभी आपका सेल जो है वो S फेज में है, वो पहले M में पहुंचेगा तब उसका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डबल होगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सेम, क्रोमोसोम का अमाउंट डबल हो सकता है बट इसने नंबर की बात किया तो नंबर सेम रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा 8। अगला सवाल हम देखने जा रहे हैं 166, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। पहला कहता है विनवल डिसीज कैन बी स्प्रेड थ्रू। तो सबसे पहले ना विनवल के इंसान के थॉट में आता है वायवल, अलग चीज़ है, वायवल वायरस है और विनवल का मतलब होता है STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अब आपको पता है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है वो स्प्रेड होती हैं बेसिकली फ्लूड के कॉन्टैक्ट से, बॉडी फ्लूड के कॉन्टैक्ट से। तो इसमें बॉडी फ्लूड का कॉन्टैक्ट है तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो तो उसे हम कहेंगे ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, या फिर अगर मदर है मदर के फीटस से भी डायरेक्टली भी जा सकते हैं तो उसका आंसर आ जाएगा B and C। अब कभी कभी HIV में आप पढ़ते हैं कि किसिंग से भी फैल सकता है, तो बेसिकली ना पहले ऐसा हुआ करता था कि कुछ लोग मान लेते थे कि सलाइवा से, बट अब हम कहते हैं कि नहीं सलाइवा से उतना नहीं आ सकता, बहुत कम चांसेस होते हैं किसिंग से। तो हम कहते हैं कि बेसिकली इसका आंसर होगा B और C, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन एंड इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। ब्लड के बेसिकली जब ब्लड की आप किसी भी बॉडी फ्लूड की मैचिंग हो जाती है तब STD फैल सकती है। 68, फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द अर्ली डायग्नोसिस अंडरस्टैंडिंग द पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिकुलर डायग्नोसिस टेक्निक वेरी यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन। तो देखिए जो अर्ली डिटेक्शन होता है बेसिकली आपकी कोई भी बीमारी है तो आपको पता है कि जीन यानी DNA से RNA, RNA से प्रोटीन और प्रोटीन से एंजाइम और एंजाइम से किसी प्रकार का फंक्शन। अब आप सोचिए फंक्शन बहुत आगे होगा, अगर आप फंक्शन को डिटेक्ट करने बैठे तब तो चीज़ें खराब हो चुकी है, लेकिन सोचो अगर आप जीन को ही गड़बड़ी, जीन में ही गड़बड़ी डिटेक्ट कर लो तो अर्ली डिटेक्शन हो गया। और जीन में जब हम गड़बड़ी चेक कर सकते हैं तो वो हम DNA में चेक करेंगे, और DNA में हम चेक सकते हैं ELISA से और साउदर्न ब्लॉटिंग में, इन दोनों में ही हम DNA में गड़बड़ियाँ पता करते हैं। जबकि जो ये बेसिकली वेस्टर्न ब्लॉटिंग है और ये अलग अलग ब्लॉटिंग होती है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होती है ना, और साउदर्न ब्लॉटिंग, ईस्टर्न ब्लॉटिंग कुछ नहीं होता, वेस्टर्न नॉर्दर्न और सदर्न ब्लॉटिंग एक होती है DNA की जो अपनी साउदर्न है, वेस्टर्न मेरे हिसाब से शायद RNA और प्रोटीन की होती है, वेस्टर्न और ईस्टर्न। तो इसका आंसर बेसिकली दोनों हो सकता है ना, आकाश की जो टेस्ट सीरीज रिलीज हुई है इसमें इसका आंसर थर्ड और फोर्थ दोनों दिया है,
बेस्ट जो रहेगा मेरे हिसाब से वो सदर्न ब्लॉटिंग रहेगा। वन 72 विच आर द फॉलोइंग एग्जाम बी आर हॉलो न्यूमेटिक बोन्स। तो न्यूमेटिक बोन्स किसमें मिलती है? बर्ड्स में। अब आपको नाम पता चाहिए, ऑर्निथोरिंकस एक टाइप का मैमल है ना, नियोफ्रॉन वल्चर को कहते हैं, वल्चर ऑब्वियसली वो कहते हैं एप से यानी बर्ड है, हेमिडेक्टाइलस हम वॉल लिजार्ड को कहते हैं, रेप्टाइल है, और जो मैक्रोपस है ये हम उसको कहते हैं अपना कंगारू को, तो कंगारू भी क्या है मैमल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नियोफ्रॉन। इफ़ द 176 इफ द एडेनिन मेक्स 30% ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ थायमिन ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो इस प्रकार के सवाल को करने की ट्रिक बहुत सिंपल होती है, जो भी आपको दिया आपको पता है जो एडेनिन है वो बाइंड करता है थायमिन के साथ और साइटोसिन बाइंड करता है ग्वानिन के साथ, तो आपको जो भी दिया है वो किससे बाइंड करता है ये याद रखिए, जैसे एडेनिन है वो थायमिन के साथ बाइंड करता है, तो एडेनिन अगर 30 तो थायमिन भी कितना होगा 30, तो एडेनिन और थायमिन दोनों 30 30, अब दोनों मिलकर 30 30 कितना हो जाएगा 60, और बताया टोटल परसेंटेज कितनी हो सकती है 100, तो अगर 100 में 60 ये दोनों मिलके हो गए तो बाकी क्या हो जाएगा 40, और 40 में आधा ग्वानिन होगा और आधा क्या होगा साइटोसिन, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 20 और 20, आंसर फोर्थ। चलिए दोस्तों जो अगला सवाल करने जा रहे हैं ये भी थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 186। इसमें कह रहा है कि मैच द टेबल है, तो आपको इसमें कंगारू रैट, डेजर्ट लिजार्ड, मरीन फिश एट डेप्थ और पोलर सील। अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे को दो इसमें पता रहते हैं, एक है कंगारू लिजार्ड और एक डेजर्ट कंगारू रैट और डेजर्ट लिजार्ड। तो जो डेजर्ट लिजार्ड है वो बेसिकली बाहर जाती है बेसिकली जो मिट्टी में रेगिस्तान में और वहाँ पे धूप सेकती है, तो ये एक टाइप का बिहेवियर है, ये एक टाइप का बिहेवियर, तो इसको हम कहते हैं बिहेवियर अडेप्टेशन। जबकि जो कंगारू रैट है वो अपने फैट मेटाबॉलिज्म में वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, अब इससे फैट का मेटाबॉलिज्म यानी फिजियोलॉजी लग गई, तो ये किस टाइप का अडेप्टेशन है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, तो आप इन दोनों को लगाइए आपका सीधा आंसर सॉल्व हो जाएगा। बात 187 आपका इवोल्यूशन का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, आप बेसिकली आपने पढ़ा होगा एनालॉगस और होमोलोगस ऑर्गन्स, वहाँ से सवाल है, आपको याद रखना है कि जो अडेप्टिव वेरिएशन है इसका एग्जाम्पल क्या जाता है डार्विन फिंचेस, तो ए का सीधा क्या जाएगा फोर्थ, तो और एक ही ऑप्शन है जिसमें ए का फोर्थ है, और बाकी दोनों तो आपका होमोलोगस हेटरोलोगस अगर आपको ने पढ़ा होगा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन वहाँ से हो जाएंगे ये दोनों। और आप एक चीज़ और आप एक और बता सकते हो मैं, जो चौथा है इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक का एग्जैक्ट मतलब होता है बाय द ह्यूमन एक्टिविटी, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो गया तो उसे हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक, और उसने जो फर्स्ट ऑप्शन दिया इसमें सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड, यानी कीटनाशकों को अगर आप यूज़ करें तो हर्बिसाइड पेस्टिसाइड कौन यूज़ करेगा ह्यूमन, और इसकी वजह से किसी प्रकार का इवोल्यूशन है तो वो कैसा हो जाएगा एंथ्रोपोजेनिक। 92 पहली बार शायद मतलब मेरे हिसाब से पहली बार नीट में एआर क्वेश्चंस आने लगे हैं, दो या तीन एआर क्वेश्चंस मैं इसमें से एक डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक पर्सन हाई एल्टीट्यूड पे जाता है और उसको एल्टीट्यूड सिकनेस होता है, उसके सिम्टम आते हैं डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और हार्ट पालपिटेशंस, और इस ये असर्शन रीजन दिया गया कि जो लो एटमोस्फेरिक प्रेशर है हाई एल्टीट्यूड पे इसकी वजह से बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिला। देखिए एआर क्वेश्चंस का अक्सर पहला था, मैं जब अपने टाइम में बताऊं तो पहला होता था कि दोनों सही और करेक्ट रीजन, दूसरा दोनों सही करेक्ट रीजन नहीं, तीसरा पहला सही दूसरा गलत, और चौथा होता था कि पहला जो है दोनों ही गलत, लेकिन अब इन्होंने जो ऑप्शंस दिए वो बदल के दिए तो आपको चेक करना पड़ेगा अच्छे से। तो अब इसने कहा कि जो पर्सन हाई एल्टीट्यूड पर जा रहा था, आपको पता जो एल्टीट्यूड सिकनेस होती है दिमाग पता क्या काम करता है लोगों का कि भाई ऑक्सीजन नहीं है, आपको याद रखना ऑक्सीजन नहीं एयर ही नहीं है, ऑक्सीजन नहीं एयर ही नहीं है, और एयर नहीं है तो क्या ऑक्सीजन होगी नहीं, तो अगर आपको दो ऑप्शन मिले कि ऑक्सीजन नहीं है या एयर नहीं है तो आप क्या लगाओगे एयर नहीं है, एयर का जो प्रेशर है वो ऑलरेडी बहुत लो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एक तो दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी एकदम करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड मेरे सिलेबस इसके एग्जाम के अकॉर्डिंग। अब देखिए जो क्वेश्चन 150 है मैं इसके कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि आपने अगर ऑटो रेडियोग्राफी वगैरह हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ते हैं कि मान लीजिए ये मेरा हाथ ये एक नॉर्मल जीन है, ये क्या है इसके दो नॉर्मल जीन मतलब एक डीएनए का स्ट्रैंड ये और दूसरा ये स्ट्रैंड, अब मैं जब इसको लेबल करूंगा तो मैं एक नॉर्मल जीन को लेबल कर रहा हूं अपने जो भी रेडियो एक्टिविटी से लेबल किया, अब ये जो जीन है ये डैमेज है, ये क्या है डैमेज, क्या मुझे बताइए इसका जो एक वाली साइट है इस डैमेज वाले को पकड़ पाएगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्या हो चुका है डैमेज, लेकिन अगर यही यहाँ पे ये वाला और ये वाला जीन नॉर्मल है तो ये किसके साथ बाइंड करेगा इसके साथ, यानी कि अगर मेरे पास ये दो एक जीन ये एक जीन ये और एक जीन ये, अब मैंने क्या किया इसमें से ये दोनों कैसे हैं म्यूटेटेड और ये दोनों कैसे हैं नॉर्मल,
अब मैंने अपने इस वाले हाथ को ऑटो वीडियोग्राफी से आइसोलेबल कर दिया। अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये इससे बाइंड करे या किससे बाइंड करे, इससे। मुझे बताओ, क्योंकि ये वाला खराब हो चुका है, म्यूटेटेड हो चुका है, तो इसके साथ बाइंड नहीं करेगा, जबकि ये किसके साथ बाइंड करेगा, नॉर्मल के साथ। तो इसका आंसर सीधा क्या आएगा, फोर्थ। म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर इन फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज नो कॉम्प्लीमेंटरिटी विद इट, क्योंकि जो म्यूटेटेड जीन है वो खराब हो चुका है, तो अब इसके साथ तो कॉम्प्लीमेंटरी रही नहीं। मान लो यहाँ पे ए था और यहाँ पे नॉर्मली क्या था, टी, जिसके साथ ये बाइंड कर जाता, लेकिन इसमें म्यूटेशन आ गया तो यहाँ पे ए है, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, सी, तो क्या ए कभी सी के साथ बाइंड करेगा, नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सीधा फोर्थ। तो दोस्तों, ये थे कुछ सवाल जो मुझे लगा कि शायद आपको इसमें डाउट्स होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको किसी और सवाल में भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं कमेंट में ही उसको सॉल्व करने की बता पाऊं। अगर मुझे लगता है कि नहीं, आपको नहीं हो पाता, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम हैंडल पे मेरे मैसेज कर सकते हैं, अब मैं वहाँ पे भी आपको समझा दूंगा। सो फाइनली, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।